में आई जा। पूर्वी, ये कौन सा तरीका हुआ नींद में से उठाने का? अब क्या करूँ हाजी, तुझ तक मेरी आवाज़ तो पहुँचती नहीं है, तो मैंने इस ठंडे दूध के पैकेट का ही सहारा ले लिया। अच्छा, तो अब तू मेरी बातें मुझे ही सुनाएगी? हाँ? बिल्कुल, पहले तू मुझे उठाती थी, अब मैं तुझे उठाऊंगी। बस रोज एक्सचेंज हुए आजी, डायलॉग्स तो वही है ना। बस करना, कितना बोलेगी कितना बोलेगी। और ये क्या तैयार क्यों नहीं हुई, ऑफिस नहीं जाना है? आज मैंने छुट्टी ली है। छुट्टी? आई, मैं चाय बना रही हूँ, जल्दी आ जा। आई। आई, ना वो कैलेंडर पे एक नंबर लिखा होगा, मुझे देना, मेरे को अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। (9322-2677) लो, जो देखना चाहिए था वो तो आईने देखा ही नहीं। अरे आजी, क्या कर रही है ये? कल की तारीख तो मैंने पहले ही फाड़ दी थी, तूने गलती से आज की तारीख फाड़ दी। आजी, गलती से नहीं तारीख फाड़ी है मैंने, जानबूझकर फाड़ी। मानो सर, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उतने ही अच्छे एक इंसान भी हैं। yeah. तभी तो उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। वैसे सर, वो अभी है कहाँ? घर पे होंगे। घर पर हैं? तो उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही है? रेडी होने में इतना वक्त लेते हैं वो? नहीं, वो तो शायद वक्त नहीं लेते, लेकिन उनकी बिटिया वक्त लेती हैं, वो भी स्पेशली। तूने क्या किया है मेरे बालों का? चल चल, ठीक लग रही है एकदम। ठीक तो लग रही हूँ ना? तू ऐसे बालों में भी इससे बहुत ज्यादा बेटर लग रही है। प्लीज मुझे इससे तो मत कंपेयर करो। अब चले। ओके, सुन। अरे अब क्या है, पापा को अपनी एनिवर्सरी याद है क्या? नहीं। अब चलो। किसी के सांसों का चेहरे पर पड़ना उस हवा के झोंके जैसा है जो उस इंसान के साथ ना होने पर भी चेहरे पर पड़ने के बाद उस इंसान की याद दिलाता है। 18 साल बीत गए, लेकिन आज भी जब ये हवा मेरे चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सासों ने मुझे छू लिया। थैंक्स अ लॉट। आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया, जिनकी वजह से मेरी कामयाब जिंदगी की शुरुआत हुई, उन्हीं डीके सर के हाथों आज मुझे मेरे काम के लिए नवाजा गया है, और वो भी मेरे पूरे परिवार के सामने। आज मेरे बेटे ने पूरे घर को अपना परिवार माना है, वो मनु सरचना की याद भी नहीं निकाली, उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक याद नहीं है। ये अवार्ड मेरे लिए मायने रखता ही है, लेकिन साथ साथ एक और वजह है जो मेरे आज के दिन को बहुत खास बनाती है, स्पेशल बनाती है। मेरे परिवार को लगता है कि मैं उस वजह को भूल गया, बट दे आर रॉन्ग। हाउ कैन आई फॉरगेट माई वेडिंग एनिवर्सरी? मुझे मेरी शादी की सालगिरह इसलिए याद है क्योंकि मेरी शादी ने मुझे ये खूबसूरत तोहफा नवाजा है, मेरी दोनों बेटियां। इसीलिए मैं आज का अपना ये अवार्ड मेरे बेटे सचिन और अपनी इन गुड़ियों को डेडिकेट करता हूं। एजू, ओवी, प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड टेक दिस अवार्ड। मैं कैसी लग रही हूं?